हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज के शो में हम बात करेंगे क्या WWE ने फाइनली ऑफिशियली रिवील कर दिया है कि उनका रॉयल रंबल 2021 का फर्स्ट एंट्रेंस कौन सा होगा, और क्या वो सुपरस्टार और कौन नहीं बल्कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के डेनियल ब्रायन होने वाले हैं, और इसके रिगार्डिंग अभी क्या ऑफिशियल अपडेट आई है गाइज। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। चलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आपको मालूम हो कि जनवरी में हमें 31 जनवरी को हमें रॉयल रंबल 2021 देखने को मिलेगा। दो या तीन डेकेड से पहले से हमें देखने को मिल रहा है कि हमें 30 मेंस का रॉयल रंबल देखने को मिलता है, जहां पे बैक टू बैक 30 मेंस में से यानी कि बैक टू बैक मेंस आते हैं और वो रॉयल रंबल में एंट्री करते हैं। और गाइज जो इस वीक का यानी कि क्रिसमस का एडिशन का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म हो चुका है, और गाइज WWE एडवर्टाइज कर रही है कि जो 2021 का हमें रॉयल रंबल देखने को मिलेगा वहाँ पे उनका फर्स्ट इंटरेस्ट और कोई नहीं बल्कि डेनियल ब्रायन होंगे। यानी कि गाइज ऐसा होगा कि 2021 का जो रॉयल रंबल हमें देखने को मिलेगा वहाँ पर फर्स्ट इंटरेंस ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि डेनियल ब्रायन का हमें 30 मेंस का रॉयल रंबल में हमें अपीयरेंस देखने को मिलेगा। वेल गाइज मैं आपको एक कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि 30 मेंस का जो रॉयल रंबल हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमें उनका एंट्रेंस देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि 1 से 30 के बीच में हमें कभी भी उनका रिटर्न देखने को मिलेगा। यही आप बोल सकते हैं कि 1 से 30 के बीच में ये ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि कभी भी हमें 1 से 30 नंबर के बीच में हमें उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो गाइज कुछ यही WWE ऑफिशियल अपडेट को प्रोवाइड करवा रही है कि 2021 का हमें रॉयल रंबल देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑफिशियल तौर पे डेनियल ब्रायन का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। कहाँ जा रहे हो, एक मिनट आप मुझे कमेंट्स में जरूर से जरूर थॉट्स में बताओ कि डेनियल ब्रायन का हमें कितने नंबर पे रिटर्न देखने को मिलेगा। तो गाइस कुछ यही ऑफिशियल अपडेट आई थी, होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फाइनली बाय।